हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैंको। इस वीडियो में हम लोग करने वाले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं पर मल्टीपल यूनिवर्सेस देखेंगे। किस तरह जब मिसिंग डेटा होता है या मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है तब अपने को कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, उसको भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन कैसे सॉल्व किया जाता है आईडीटी में, ये भी सीखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व भी करेंगे आईडीटी का, नवंबर 2022 का। प्रोटेस्ट वगैरह तो चल ही रहा, आशा करता हूँ उसका कुछ अच्छा इफेक्ट मिले और जल्दी से जल्दी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, थैंक यू वेरी मच ये सारी वीडियोस पे जो आपने व्यूज दिए एंड लाइक्स दिए एंड कमेंट्स किए, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि पूरे आईडीटी की मैराथन बुक्स एंड क्लासेस वगैरह से ही कवर किया गया था पूरे पेपर को। 80 से 90% पेपर पूरा वहीं से आया था। इनफैक्ट एमसीक्यूज तो वो सेम ही थे जो अपने मैराथन में लिए थे, तो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको भी अगर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। एंड क्लासेस कब आएंगी आईडीटी की फास्ट ट्रैक, डीटी की फास्ट ट्रैक, May 23 के लिए, तो वो आपको पता चल जाएगी। क्लास के एंड में बात करते हैं उसके बारे में। अभी पहले क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं, आइए। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर वन पे। May 2022 का क्वेश्चन है ये, आईडीटी का है। फर्स्ट टिप, क्वेश्चन नंबर वन ऑलवेज एंड में अटेम्प्ट करना, कभी भी उसको फर्स्ट में अटेम्प्ट मत करना। वेदर इट इज डीटी और आईडीटी, ऑलवेज अटेम्प्ट एंड में, चाहे तुमको कितना भी अच्छे से आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तुमको उसको एंड में ही अटेम्प्ट करना है। दूसरी टिप, नोटबुक निकालो, कैलकुलेटर निकालो, अकेले सॉल्व करूंगा क्या, तुम लोग भी करो, साथ साथ खत्म करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहले एंड में आना है और पढ़ना है कि एग्जैक्टली वो हमसे मांग क्या रहे हैं। तो अपने को अज्यूम करना है सीजीएसटी एसजीएसटी का जो 9% ईच है और आईजीएसटी का 18% है, एक्सेप्ट मर्चेंट एक्सपोर्टर, बताऊंगा घबराना मत। अपने को कंपनसेशन सेस को इग्नोर करना है। ओपनिंग बैलेंस दिया आईटीसी का, सीजीएसटी का 20,000, एसजीएसटी का 20,000 ओपनिंग बैलेंस है और 1 फरवरी, यानी अपने को सिर्फ फरवरी मंथ का कैलकुलेट करना है। इससे तो अपने को यह समझ में आया। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज, सप्लायर हैव अपलोडेड देयर इनवॉइस इन रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 1 एंड सप्लाईज आर रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A एंड 2B, ऑल फिगर गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है, यही जो आईटीसी में था कि जितना जो अपना सप्लायर है जितना अपने जीएसटीआर 1 में भरेगा और जितना अपना ऑटो पॉपुलेट होगा उतना ही आईटीसी मिलेगा। तो ये बोला है जितना भी ऊपर लिखा है वो सब उसने भर दिया और ऑटो पॉपुलेट हो गया, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कूल, सो व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू इज एडमिसेबल आईटीसी निकालना है और जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है। एडमिसेबल आईटीसी यानी अपने को कैलकुलेट करना है नेट आईटीसी, ओके, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड थिंग, नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर ये तीन चीजें अपने कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना आंसर अच्छे से मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन था कितने मार्क्स का, ये क्वेश्चन था आपका 14 मार्क्स का। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की हो, हमारा मैराथन देखा है, हमारे क्लासेस लिए, जो भी है मजा करो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये 14 मार्क्स में आप इजिली 8 से 10 मार्क्स स्कोर कर लोगे, इजिली कर लोगे। मल्टीपल अजम्पशन लेने के बाद भी आप स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या हुई है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र एज मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑन पेमेंट ऑफ 0.1% ऑफ आईजीएसटी एंड एक्सपोर्टेड द सेम डायरेक्टली टू इंपोर्टर ऑफ स्पेन अंडर LUT। अब यहाँ आधे बच्चे बोल्ड हो जाएंगे, अब उनको लगेगा ये क्या आ गया मर्चेंट एक्सपोर्टर। अरे तुमको क्या लेना देना यार, तुमको आता है तो गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सिंपल सी चीज बोल रही है, हमने महाराष्ट्र से परचेस किया, परचेस के टाइम में हमने जो आईजीएसटी पे किया वो 0.1% पे किया, बस सिंपल, और क्या। और फिर हमने उसको सेल किया, जब हमने उसको सेल किया तो व्हाट वी डिड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमने स्पेन में किया LUT में, एक्सपोर्ट हमने स्पेन में किया LUT में। तो अब एक बात याद रखो, ये क्या हो गया ZRS, जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड, क्या मतलब आउटपुट टैक्स कुछ पे करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि अंडर बॉन्ड ZRS याद करो रिफंड चैप्टर में पढ़े थे अपने, वहां पे नहीं करते हैं। कूल, एक सेकेंड, ओके। एफओबी वैल्यू इज 7 लाख, एफओबी वैल्यू 7 लाख, यानी जो हमने एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू 7 लाख है, यानी हमारी सेल्स की फिगर दी है, सेल्स की फिगर कितनी है 7 लाख, ओके। इनवॉइस फॉर द सप्लाई वाज इतना एंड पेमेंट वाज मेड ऑन इतना, दोनों ही फरवरी में, नहीं भी कंपेयर करो तो फरवरी ही आना है इसका TOS, और TOS फरवरी आएगा तो इसको कैलकुलेशन भी यही लेना है। अब इस वाले एडजस्टमेंट में देखो दो चीजें हो रही, एक हो रहा है परचेजेस, एक हो रहा है सेल्स। पहले सेल्स की बात करते हैं, जो अपने सेल कर रहे हैं स्पेन में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं LUT में कर रहे हैं, यानी ZRS है, और अगर ZRS है तो आउटपुट टैक्स लगा ही नहीं होगा, आउटपुट टैक्स लगा ही नहीं होगा तो अपने जो तीन डिफरेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो तीन डिफरेंट कैलकुलेशन में कहीं पे भी फॉल करेगा क्या, नहीं करेगा। अच्छा वन मोर थिंग, वर्किंग नोट हर एक के देने, अब नहीं बोलूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रहा हूं, वर्किंग नोट तो देने ही है।
तो सेल्स जो 7 लाख की हुई है वो ZRS है और उस पर कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं आने वाला है। ये वाली फाइल मैं नीचे शेयर कर दूंगा, फिर भी तुम लोग मेरे साथ क्वेश्चन करते रहना। दूसरी चीज हमने क्या किया, हमने महाराष्ट्र से परचेज किया था, 0.1% IGST पे किया था, ठीक है। अब दिस IGST इज एलिजिबल फॉर ITC, अपने को ITC मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर। बट द प्रॉब्लम इज कि 0.1% मारू किसका सर, 7 लाख का मार लेते हैं, 7 लाख का मार सकते हो, बट मेरी एक बात ध्यान दो, इनपुट अपने परचेज प्राइस पे देते हैं, ठीक है। जो IGST के इनपुट 0.1% वो परचेज प्राइस पे लगना चाहिए, और 7 लाख जो है वो सेल्स का फिगर है। सेल्स के फिगर में तुम इनपुट कैसे मार सकते हो, नॉट पॉसिबल, नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है अपना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये हर बार ऐसे करते, कोई ना कोई फिगर मिस होती ही है। मैं क्लास में इसीलिए पहले ही बोल देता हूँ कि अज्यूम करके रखना 10 से 20% पेपर या तो मिसिंग फिगर का आएगा तो रॉन्ग का आएगा। यार रॉन्ग का भी आता तो प्रॉब्लम नहीं होता है, रॉन्ग रहता है तो चल अपने अटेम्प्ट करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसमें, बट मिसिंग फिगर में ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मिसिंग फिगर आ जाए तो और प्रॉब्लम हो जाता है। खैर ठीक है, चल रहा है, देखो प्रोटेस्ट, होप सो कुछ बढ़िया सा उसका कंक्लूजन निकले। अब जो मिसिंग फिगर है उसका क्या करें, तो अब यहां से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले अपने अजम्पशन ले सकते हैं, 2 अजम्पशन। पहली बात तो ITC लो ही मत, सीधा वर्किंग नोट में जाना और लिख देना, सिंस द परचेस प्राइस इज नॉट अवेलेबल, द डेटा फॉर परचेस प्राइस इज नॉट अवेलेबल, ITC ऐसे लिखना, देखो परचेजेस वी हैव मेड फॉर महाराष्ट्र, ITC इज अवेलेबल, 0.1% IGST दैट वी हैव पेड इज अवेलेबल एज ITC, हाउएवर सिंस देयर इज नो फिगर फॉर परचेस प्राइस, hence it has been ignored, simple। अच्छा मल्टीपल assumptions आने वाले, तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम कौन सा assumption यूज करें वो भी आपको बताते चलूंगा। हम लोग यूज करेंगे ITC नहीं मिलेगा। दूसरा assumption क्या ले सकते हो, 7 लाख का 0.1% मार सकते हो। ICAI क्या करेगा मेरे को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो 7 लाख का 0.1% स्ट्रेट अवे मार दो, उतना ITC तुम ले सकते हो। बट ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, डाइसी सिचुएशन इन द सेंस कि अगर आप 7 लाख में माल खरीद के 7 लाख में ही बेच रहे हो तो प्रॉफिट कहाँ कमा रहे हो, प्रॉफिट भी तो कमा रहे होगे ना, वो कहाँ है, वो एलिमेंट कहाँ है, वो तो पता नहीं चल रहा है ना। इसीलिए मेरे हिसाब से इसको इग्नोर कर देना ही बेस्ट है। किसको, इसके लिए तो वर्किंग नोट जाएगा, इसके लिए भी नोट जाएगा, इसके लिए तुम्हारा नोट जाएगा कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सिंस फिगर इज नॉट अवेलेबल देयरफॉर ITC इज बीन इग्नोर्ड, जो 0.1% हमने पे किया है। नेक्स्ट मैथ, इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम चाइना विद CIF वैल्यू ऑफ 5 लाख, द गुड्स वेर सोल्ड 5 लाख 10,000 एज ICI सेल टू एन इंडियन पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, हमने क्या किया, ICI सेल किया, हमने पहले परचेज किया चाइना से और उसके बाद हमने कर दिया ICI सेल। तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, एक हो रहा है परचेज, एक हो रहा है सेल्स। अब जब इंपोर्ट परचेस करते हैं तो IGST पे करते हैं, आई एग्री, बट जब ICI सेल कर देंगे, ICI सेल मतलब होता है कि इंडिया में एंटर करने से पहले ही गुड्स को सेल कर दिया गया, तो जो बंदा, जिस बंदे को हमने सेल किया वो जाएगा ना लेके बिल ऑफ एंट्री कस्टम डिपार्टमेंट के पास, तो अगर वो जाएगा तो IGST तो वो पे करेगा ना, हम तो पे ही नहीं करेंगे IGST, और अगर हम IGST पे ही नहीं करेंगे तो हम फिर ITC कैसे क्लेम कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, तो ITC अपने क्लेम नहीं करेंगे। तो जो परचेज हमने किया 5 लाख का चाइना से, उस पर कोई भी ITC नहीं लेंगे, क्योंकि IGST तो हमने पे ही नहीं किया, पे कौन कर रहा है, जिसको हमने सेल किया वो बिल ऑफ एंट्री लेके जाएगा ना, वो पे करेगा, मेरे सर से जिम्मेदारी खत्म। IGST इंपोर्ट के केस में कब पे करना पड़ता है, जब बिल ऑफ एंट्री लेके जाएंगे तब, तो जब मैं लेके ही नहीं गया तो मैं पे कैसे करूंगा। दूसरा यहां हो रहा है सेल, जो ICI सेल है वो Schedule 3 में कवर है, पर Schedule 3 के हिसाब से क्या होता है, इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है, तो फिर उस पर GST नहीं आएगा, तो कोई GST नहीं आने वाला इस फिगर पे। किस फिगर पे, इस 5 लाख 10 वाले फिगर पे, ओके आगे बढ़ते हैं। अगेन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाला, रेडी हो जाओ। परचेज किया हमने गुड्स ताइवान से और सोल्ड कर दिया गुड्स को पार्टी में टर्की में विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया, परचेज हमने किया था 5 लाख का, सेल हमने किया 7 लाख का, हमने क्या किया, ताइवान से माल उठाया और उसको उठा के बेच दिया टर्की में, इंडिया में एंटर किया ही नहीं गुड्स, ठीक है। फिर हमने जे लिमिटेड को कमीशन पे किया है 50,000 का टू मिसेस टी जो एक एजेंट है इन कनेक्शन विद द ट्रांजेक्शन, हमने उसको पे कर दिया 50,000 एज अ कमीशन। अब देखो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 चीजें आ रही है, परचेजेस आ रहा है, सेल्स आ रहा है, कमीशन पेड आ रहा है। तो पहले परचेज का देख लेते हैं। अब परचेज में अभी आपको क्या बोला, इंपोर्ट परचेज पे तभी GST पे करोगे,
जब वो इंडिया में एंटर करेगा, या तो गुड्स इंडिया में आया ही नहीं, कस्टम में हम लेके ही नहीं गए बिल ऑफ इंट्री, तो वहीं से उसको सल्टा दिया, तो कोई जीएसटी पे ही नहीं किया, कोई जीएसटी पे ही नहीं किया, तो क्या उसका आईटीसी ले सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, परचेज पे आईटीसी लेते हैं, पता है ना सर, इतना तो पता है, एग्जाम दे के आ रहे, गुड। तो परचेज जो 5 लाख का है उस पर कोई भी जीएसटी जब पे ही नहीं किया तो आईटीसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम एक कंट्री से परचेज करते हो और दूसरे कंट्री में सेल कर देते हो और वो गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं होता, इंडिया को टच ही नहीं करता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? वो शेड्यूल 3 में कवर होगा। अगर वो शेड्यूल 3 में कवर होगा सेल्स, तो वो सप्लाई नहीं, गुड्स नहीं है, वो सर्विस नहीं, वो सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई नहीं है, तो जीएसटी नहीं आएगा। तो कोई भी आउटपुट टैक्स का जीएसटी अपना बनना ही नहीं है इस वाले केस में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में कमीशन जो हमने पे किया 50,000 का, यहां से शुरू होता है अजम्पशन वाला गेम। अब देखो, दो चीज हो सकती है, या तो ये 50,000 का जो हमने एक्सपेंस पे किया है, इसका 18% या 9% जो भी केस है, उतना अपने को आईजीएसटी मिलना चाहिए, बिकॉज कमीशन इज एन एक्सपेंस, वी हैव इनकर्ड एन एक्सपेंसेस, उस पे जितना भी जीएसटी लगा उसका हमको आईटीसी दे दो, कूल एनफ। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ये जो कमीशन है ये हमने क्यों पे किया? ये हमने पे किया है एक ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो शेड्यूल 3 में कवर है, और शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शन कवर है उसके लिए कोई कमीशन पे किया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलता, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो नो क्रेडिट फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, या तुम्हारे शेड्यूल 3 वाला या एग्जम्प्ट सप्लाई, इसके लिए कभी भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। दूसरी चीज है, क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम कर लो कि अपने इसमें क्रेडिट ले सकते हैं, तो क्रेडिट ले लिया आपने। अब क्रेडिट लिया है तो प्रॉब्लम ये आता है, कमीशन हमने जो दिया है मिसेस टी को, तो मिसेस टी कौन सी स्टेट की है ये तो अपने को पता है नहीं है, गुजरात की है कि मुंबई की है कि कहाँ की है पता नहीं है। अगर सेम स्टेट की है तो 9% ईच लगा देंगे और उतना आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एज एन आईटीसी अपने को अवेलेबल हो जाएगा। और अगर बाहर की है तो 18% लगाना पड़ेगा, 18% आईजीएसटी अपने को आईटीसी अवेलेबल होगा। अब ये तो अपने को पता नहीं है, नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। दूसरी चीज, क्रेडिट ये आपको तभी अवेलेबल होगा जब आप इसको यूज करोगे लैंड, अदर देन लैंड बिल्डिंग एंड सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, तभी अवेलेबल होगा। बट यहाँ पे एक डाइसी सिचुएशन आ रही है कि इतना इनडेप्थ, तो पहली बात तो उनको आता नहीं होगा, तो इतना इनडेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे जो फिगर तुम ले सकते हो वो 50,000 का, कोई क्रेडिट मत लो, कोई क्रेडिट मत लो। और अगर क्रेडिट ले रहे हो, दूसरा ऑप्शन में तुम ये अलग क्रेडिट ले सकते हो 18% पे जाके, 18% पे जाके क्रेडिट ले सकते हो। दो ऑप्शन हम लोग इस क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट नहीं। अच्छा, आईसीआई का सजेस्टेड आएगा तो मेरे पास मत आना कि सर आईसीआई ने तो ऐसा किया, मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। जे लिमिटेड हैज एग्रीड टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू मिस्टर के ऑफ अहमदाबाद हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन इन कनेक्शन विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टू बी अंडरटेकन बाय हिम फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख एंड हैज रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹1 लाख। हम क्या दे रहे हैं? हम सर्विस दे रहे हैं, हम टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं। ओके, अपने को मिला एडवांस, तो नोटिफिकेशन 66/2017 गुड्स पे लगता है, सर्विस पे नहीं लगता है। इसका मतलब एडवांस पे टीओएस आ जाएगा, यानी इस 1 लाख पे तो टीओएस आ जाएगा। ये 1 लाख अपने को फरवरी में मिला, तो इस पे जीएसटी आने वाला है, तो अपने को इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा फरवरी मंथ में। अब यहां पे भी एक इशू आता है, इशू ये आता है कि 1 लाख का तो अपने को बोल दिया एडवांस मिला है, तो वो तो आउटपुट टैक्स में अपना जाएगा, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, सो वी आर द सप्लायर ऑफ सर्विस, एडवांस पे जीएसटी आ जाएगा। सी और एस चार्ज करेंगे, सी और एस क्यों चार्ज करेंगे? यहां देखो, मिस्टर के को दिया, वो भी गुजरात से, अहमदाबाद से, तो सी और एस चार्ज कर देंगे, यहां पे कोई इशू नहीं। जो रिमेनिंग 4 लाख है उसका क्या करें? या तो उसको इग्नोर कर दो, या तो उसको अज्यूम कर लो मिल गया, या सर्विस खत्म हो गई। अब सर्विस कब खत्म हुई है उसका कोई डिटेल नहीं दिया हुआ, या 4 लाख रुपए कब मिले उसका कोई डिटेल नहीं दिया हुआ, ना इनवॉइस का डिटेल, अगर इनवॉइस का भी डिटेल देता तो भी अपने निकाल सकते थे टीओएस का यूज करके 13(2), बट ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे डिटेल। तो इस 4 लाख को कोई डिटेल नहीं दिया तो इसको इग्नोर कर दोगे, मानोगे अभी नहीं मिला, जब सर्विस भी नहीं खत्म हुई, अभी मिला भी नहीं और अभी इनवॉइस भी नहीं इशू हुआ है, यही अज्यूम करना पड़ेगा, यही बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन है इसका। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 5 पे आए। हमने हमने इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल को चाइना से, सीआईएफ वैल्यू है जिसका फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स अपने को दिया हुआ है 6 लाख उसका वैल्यू है, और 1 लाख का उसमें ओशियन फ्रेट है, यानी ओशियन फ्रेट यानी वेसल से आ रहा है। ओके, अब दो चीजें हो रही है यहाँ पे। पहली बात तो हमने परचेस किया है 6 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और हमने ओशियन फ्रेट पे किया, तो पहले 6 लाख का परचेस देख लेते हैं।
हमने 6 लाख का परचेस किया, हमने नीचे पढ़ा था कि 18% आईजीएसटी लगेगा उसमें, तो 6 लाख का आईटीसी अपने को अवेलेबल होगा, चूंकि ब्लॉक रेट वगैरह कहीं फॉल नहीं करता है, तो उसका आईटीसी अपने को मिल जाएगा 18% से, यानी 1,08,000 एज एन आईटीसी अवेलेबल फॉर आईजीएसटी। ठीक है, अब अगेन अजम्पशन वाला गेम खेलना पड़ेगा, आ जाओ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। ओशन फ्रेट है वो हमने किसको दिया है, यही क्लैरिटी नहीं है अपने को, अपने चाइना में पे किए या अपने इंडिया में पे किए। अगर अपने किसी इंडिया वाले बंदे को पे किए होंगे तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, अगर अपने कोई चाइना या बाहर अदर देन इंडिया वाले नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर किसी को पे किए हैं तो फिर आरसीएम आएगा, और आरसीएम आएगा तो जे लिमिटेड लायबल हो जाएगा, अपना एसएससी लायबल हो जाएगा। ओके, तो ये इन्होंने बताया नहीं है किसको पे किया गया है। अगर ओशन फ्रेट अपने को बता देता किसको पे किया है, तो जो आईटीसी है 18,000 का वो अपने को अवेलेबल होता, बट अवेलेबल तो अभी भी होगा क्योंकि हमने एक्सपेंस बियर किया है, बट फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज ये कैसे पता चलेगा? अगर टैक्सेबल में करता तो फॉरवर्ड चार्ज करते। अब उसमें भी अजम्पशन लेना है कि अहमदाबाद वाले को किया है कि और अदर स्टेट को किया। अगर अहमदाबाद वाले को किया है तो सी और एस लगा देंगे, अदर देन गुजरात है तो आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ये भी अलग प्रॉब्लम। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें आपको जो अज्यूम करना है वो अज्यूम करना इस ओशन फ्रेट को, मान लो आपने एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले बंदे को पे किया है और आरसीएम के तहत आप उसको टैक्सेबल कर दो, 18,000 का तो क्रेडिट मिलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आरसीएम में भी पेमेंट करोगे तो क्रेडिट आईटीसी का तुमको मिलता है। यहां पे जो डिफरेंस फॉल करेगा वो फॉल करेगा कैश, क्योंकि याद करो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आरसीएम का पेमेंट तुमको कैश करना पड़ता है, तुम क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कैश वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से अजम्पशन अगर अपने ये वाला देते। तो अपने अजम्पशन क्या ले रहे हैं, ये नॉर्मल परसेंट जो 6 लाख का उस पर 18% का तो अपने को आईजीएसटी मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी मिल जाएगा। ओशन फ्रेट अपने को पता नहीं किसका, तो अपने अज्यूम करें ओशन फ्रेट हैज बीन पेड टू अ पर्सन हु इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दस चार्जेबल अंडर आरसीएम, दैट इज आवर एसएससी विल बी लायबल, एंड इसका जो 18,000 बन रहा है अपना वो अपने को मिल जाएगा। 18,000 कैसे बना, 1 लाख का था ओशन फ्रेट, उसका 18% मारा, 18,000 बना, तो इस 18,000 का आईटीसी अपने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी मिलता चाहे फॉरवर्ड में होता चाहे आरसीएम, दोनों ही सिनेरियो में अपने को मिलना था। नंबर 6 क्या बोलता है, हमने लोकली परचेस किया है रॉ मटेरियल को जिसको हमने स्टोर किया फैक्ट्री में एंड गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन वाटर इन फैक्ट्री एंड बिकम अनयूजेबल, जे लिमिटेड क्लेम्ड एंड रिसीव्ड इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ 60,000 फॉर द सेम, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसीव वाज 70,000, रॉ मटेरियल वॉज परचेज फ्रॉम पार्टी इन गुजरात ऑन इतना एंड द डेट ऑफ पेमेंट इज इतना। अब सबसे पहली बात जो आपको यहाँ देखनी है, रॉ मटेरियल पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, 17,500 एकदम लास्ट वाले केस में लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉय या फ्री सैंपल क्या बोला था, ब्लॉक क्रेडिट होता है, तो ये पूरा का पूरा जो 70,000 है वो अपना क्या हो जाएगा, नो क्रेडिट यानी ब्लॉक क्रेडिट में है 17,500। हाँ, ये 7 वाला ट्रिकी था, ये आप नहीं कर पाओगे, आई नो, इसमें स्टार मार्क लगा देना मे वालों, इसको अच्छे से देखो। कंपनी परचेज की एक 3-व्हीलर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2% इंक्लूडिंग ड्राइवर, इंजन कैपेसिटी 20 cc, यहां पे असली ट्विस्ट है इंजन कैपेसिटी में, एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख विच इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ ऑफ द कंपनी फ्रॉम रेसिडेंसी टू फैक्ट्री एंड बैक। अब देखो मोटर व्हीकल 17,500 क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि मोटर व्हीकल में अगर लेस देन मतलब अदर गुड्स है तब तो आईटीसी अवेलेबल, अदर देन गुड्स है तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, अदर देन गुड्स वाले केस में हो जाता है अगर सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 तो अवेलेबल नहीं है, 13 और मोर है तो उस सिनेरियो में वो 13 अप टू 13 है तो अवेलेबल नहीं होता, 13 से ज्यादा है तो अवेलेबल होता है आईटीसी अपने को। ठीक है, अब इसकी तो 13 से कम है तो इसकी आईटीसी अपने को मिलनी नहीं चाहिए। ओके, बट यहाँ पे आपको एक चीज देखना, मोटर व्हीकल होना चाहिए फर्स्ट चीज ना, तो एक है मोटर व्हीकल एक्ट और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई 3-व्हीलर है और उसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो मोर देन 25 cc है, 3-व्हीलर है और 25 cc से ज्यादा उसकी इंजन कैपेसिटी है तो ही वो मोटर व्हीकल है, अदरवाइज वो मोटर व्हीकल नहीं कहलाता है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट का डेफिनेशन में। ओके, ये एक नया पॉइंट है देख लो यहाँ पे, तो इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 20 cc है। अब अगर इसकी इंजन कैपेसिटी 20 cc है और ये 3-व्हीलर है तो इज इट अ मोटर व्हीकल, वेरी गुड, सो इट इज नॉट अ मोटर व्हीकल। इफ इट इज नॉट अ मोटर व्हीकल तो क्या ये 17,500 में फॉल करेगा, क्योंकि 17,500 में कौन फॉल करता है, मोटर व्हीकल, और ये जब मोटर व्हीकल ही नहीं है तो 17,500 में फॉल नहीं करेगा, तो इसका आईटीसी अपने को अवेलेबल होगा।
परचेजेस हमने कहां से किया है? ओके कुछ नहीं दिया तो अपने को सी और एस मान लेंगे, क्योंकि अपने ऑब्वियसली अपने ही लोकैलिटी से परचेज करते हैं ये सारी चीजें, तो इसमें अपने मानेंगे कि गुजरात से ही गया और सी और एस चार्ज कर देंगे, आईटीसी अवेलेबल होगा, सी और एस चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये एक नया पॉइंट था। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना इनडेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा क्या? तो मेरा रिकमेंडेशन है, आप पढ़ सकते हो, वो आपका चॉइस है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि अननेसेसरी इनडेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा पॉइंट इक्का दुक्का आएगा एक दो मार्क्स के लिए, उसके लिए आपको एकदम डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, अब इसमें आप जा सकते हो, अब इसको आप पढ़ सकते हो, बट अननेसेसरी डीप जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर 118 116 मार्क्स का आता है, उसमें से एक दो मार्क्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इनडेप्थ पढ़ने जाओगे तो आपको काफी सारी चीज फिर छोड़नी पड़ेगी, हो सकता है आईटीसी ही ना पढ़ पाओ पूरा, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है। सो डोंट वरी, हम लोग तो प्लान कर ही लेते हैं सब कुछ, आ जाओ, बाकी तो मैराथन है ही। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 में। एडजस्टमेंट नंबर 8 क्या बोलता है? हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बियर किया 30,000 का, मिस्टर जेड ने पे किया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस मिस्टर जेड ने पे किया, और जो टेम्पो ओनर है उसने इशू नहीं किया कंसाइनमेंट नोट उसने इशू नहीं किया, उसने कंसोलिडेटेड बिल दिया है। अब इसमें भी एक इनडेप्थ पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये जो एक्सपेंस है ना, दिस इज एन एग्जेम्प्ट एक्सपेंस। अब ये एग्जेम्प्ट एक्सपेंस है तो इस एक्सपेंस पे अपने को आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो एग्जेम्प्ट क्या होता है, देखो ये जीटीए नहीं है, जीटीए होता तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होता, ये जीटीए नहीं है। कैसे पता जीटीए नहीं है? क्योंकि जीटीए वाले लोग कंसोलिडेटेड बिल नहीं देते हैं, वो लोग कंसोलिडेटेड बिल नहीं तो इनवॉइस वगैरह देते हैं, एंड ये सिंस बिल दे रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई अपने को मानना क्या पड़ेगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई है ये, एग्जेम्प्ट सप्लाई, और इसके लिए अपने को कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट हैज सप्लाइड गुड्स ऑफ वैल्यू 50 लाख टू वी लिमिटेड पादरा गुजरात, इंक्लूड्स 10 लाख सप्लाई टू सेस ऑफ वी लिमिटेड। ओके, तो 10 लाख अपने सेस को सप्लाई कर रहे हैं, याद करो सेस को भी सप्लाई करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों ही सिनेरियो में क्या बोलते हैं, जेड आर एस, जीरो रेटेड सप्लाई। तो आपको इसको जीरो रेटेड सप्लाई अज्यूम करना पड़ेगा। आप नोट देके आ सकते हो कि अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किया गया, इट इज अ जेड आर एस। अब देखो 10 लाख जेड आर एस है तो कोई आउटपुट टैक्स उसमें बनेगा नहीं, बचा 40 लाख। 40 कैसे आया? 50 माइनस 10, तो ये 40 लाख जो अपने पास आए वो आउटपुट टैक्स के लिए लायबल है, गुजरात में ही हो रहा है तो सी और एस लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके, ये तो काफी सिंपल था। फिर 10th वाले पे आते हैं, हमने परचेस किया है गुड्स इंपेक्स लिमिटेड से फॉर यूज एज रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 30 लाख। ओके, हमने परचेजेस किया, दिस इज आवर परचेस, तो अपने को आईटीसी अवेलेबल होगा, 75 वगैरह कहीं ब्लॉक नहीं है, शेड्यूल 3 वगैरह कहीं फॉल नहीं करता है। ओके, सो आईटीसी विल बी अवेलेबल। ओके, सी और एस लगेगा क्या? हाँ जी, सी और एस लगेगा चूंकि गुजरात से। अब 11th लास्ट एडजस्टमेंट, हमने अवेल किया सप्लाई ऑफ मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम वाई लिमिटेड वडोदरा गुजरात, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, द अमाउंट पेड इज 1 लाख, द इनवॉइस वाज इशूड ऑन इतना एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन द सेम डेट। तो बताओ यहाँ पे आप सबसे पहला चीज जो सोचोगे मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस को लेके कि यहाँ पे आरसीएम लगेगा, बट यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने अवेल किया है सर्विस किससे? वाई लिमिटेड से, और हम कौन है? एक्स लिमिटेड। ठीक है, हमने अवेल किससे किया? वाई लिमिटेड से। चलिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को दिखा देता हूं, इधर आइए, ये देखिए सिक्योरिटी सर्विस, अगर ये देखो बाई है, ये टू है, ठीक है, जो दे रहा है सर्विस वो होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ये नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड नहीं होनी, मतलब कंपनी नहीं होनी चाहिए, लेने वाला एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए अदर देन कॉम्पोजिशन, तब आरसीएम लगेगा और वो रजिस्टर्ड पर्सन उस पर टैक्स पे करेगा। सप्लायर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, यहां जो हमने सर्विस ली है वो हमने Y लिमिटेड से लिया है, Y लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो यहाँ पे RCM लगेगा क्या? नहीं, यहाँ क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज में Y लिमिटेड पे करेगा, दैट इज नॉट आवर लुकआउट। अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि अपने को जो सर्विस मिली है उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, आईटीसी विल बी अवेलेबल। 1 लाख की क्रेडिट, 1 लाख की अपनी जो सर्विस है उसमें 9% यानी 9000 ईच करके अपने को क्रेडिट अवेलेबल होगा, क्योंकि ये भी गुजरात से है तो अपने को क्रेडिट मिलेगा, जो कहीं ब्लॉक नहीं है, शेड्यूल 3 में कहीं फॉल नहीं करता है। तो ये काफी सिंपल था, बस इसमें आरसीएम का एक कॉन्सेप्ट था जो कि अपने ऑलरेडी पढ़े हुए थे। ओपनिंग बैलेंस 20,000। ओके, सो दैट्स इट, इतने ही एडजस्टमेंट थे इसमें। तो चलो अब कुछ नहीं करना, बस फिगर पुट करना और आंसर निकालना, तुम लोग भी कैलकुलेटर निकालो और पुट करना स्टार्ट करो, साथ में करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैंने एक कॉलम बनाया, ये कॉलम किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी सी एस और आई, अलग अलग बोला था ना, हमेशा अलग अलग करना, कभी भूलना मत। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स सी एस और आई एंड नेट टैक्स लायबिलिटी सी एस और आई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट आईटीसी का फिगर फटाफट भरते हैं यहां से ऊपर से देख के। तो यहां पे अपने को कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, चूंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, सो आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। यहां पे सेल कर रहे हैं ZRS का है, कोई आउटपुट टैक्स है नहीं, तो वो कॉलम में भी नहीं जाएगा ये। यहां हम लोग परचेस करें, यहाँ पे कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है, चूंकि आईजीएसटी हमने पे ही नहीं किया है। ये वाला सेल फॉल कर रहा है शेड्यूल थ्री में, तो कोई जीएसटी इसमें नहीं लगने वाला है। हमने परचेजेस किए है 5 लाख की, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, चूंकि इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, आईजीएसटी पे ही नहीं किया, तो फिर आईटीसी क्या चीज का लेंगे। सेल किया जो शेड्यूल थ्री में फॉल कर रहा है, तो नहीं आने वाला। कमीशन जो 50,000 की है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, तो इसकी वजह से इस पे अपने को इसका क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं होगा, चूंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है। इस वाले में क्या हो रहा है, 1 लाख का आउटपुट टैक्स अपना बन रहा है एडवांस पे, एडवांस पे जीएसटी आता है, तो 1 लाख का अपना बन रहा है आउटपुट टैक्स, बन रहा है 1 लाख का, 1 लाख रुपए पे, तो अपने आ जाते हैं आउटपुट टैक्स वाले कॉलम में। और देखो इसको मैं आप लोग को सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपको ईजी रहे। नाम क्या है इसका, मिस्टर के। चलो तो एक आउटपुट टैक्स अपना सबसे पहला जो आया वो आया है मिस्टर के का। किसके लिए आया ये, टेक्निकल सर्विसेज के लिए, राइट। कितने रुपए के लिए आया है, 1 लाख के लिए आया है, 9% ईच करके, करेक्ट। तो 1 लाख का 9% करते हैं, तुम लोग भी करो यार, मैं भी कर रहा हूं, अकेले अकेले मत करवाओ मुझसे। तो बचा कितना, तो कितना आएगा, 9,000 ईच, आईजीएसटी तो आनी नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे। अब चलते हैं यहां पे, चाइना से जो हमने परचेस किया 6 लाख का, इसका आईटीसी अपने को मिलेगा 18% से, तो 18% से इसका आईटीसी ले लेते हैं लगे हाथों। ओपनिंग कितना है, 20,000, ये भी बैठा देते हैं। ओके, तो ओपनिंग आईटीसी बैठा देते हैं 20,000 की। फिर हमने जो चाइना से परचेस किया है, कितने अमाउंट का परचेस किया है हमने चाइना से, चाइना से जो हमने परचेस किया है वो किया 6 लाख का 18%, ठीक है, 1,08,000 आईजीएसटी। तो 6 लाख का 18% आईजीएसटी बन रहा है क्या, हाँ जी आईजीएसटी बन रहा है। कैसे पता आईजीएसटी बन रहा है, क्योंकि चाइना से लिया है यार, आईजीएसटी बनेगा ना उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे अपना ये हो गया। ओशन फ्रेट अपने क्या करने वाले हैं, आरसीएम में टैक्सेबल करेंगे ओशन फ्रेट को, और इसका आईटीसी जो 18,000 का है वो तो मिलना ही है, तो वो तो वैसे भी लेना, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे जो भी हो, वो तो वैसे भी मिलेगा। तो ओशन फ्रेट का जो 18,000 का आईटीसी है वो भी अपने ले लेते हैं, 18,000 का आईटीसी अपने ले लिया। आरसीएम में टैक्सेबल करेंगे, तो याद रखना आरसीएम में जो भी टैक्सेबल होता है वो टैक्स कैश में पे होगा, तो यहां नीचे उसको लिखना वापस से नेट टैक्स लायबिलिटी वाले पोर्शन में, उसको भूल मत जाना, 18,000 से तुमको इसको पे करना पड़ेगा, इस चीज को एकदम भी भूलना मत। चलो ये गया, अब आते हैं, हो गया ऑलमोस्ट, तो हाँ ये क्या, ये क्या, यहाँ देखो इस वाले पे कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, 17.5 में फॉल करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, ये वाला 20cc वाला, तो इसको काफी स्टार मार्क करके रखना। हालांकि जिन लोगों ने एग्जाम दिया, मैं आशा करता हूँ आप लोग को कभी भी दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी एग्जाम देने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी, यही दुआ रहेगी मेरी हमेशा। चलिए हाँ मे वालो तुम लोग देख लो यहाँ ध्यान से, अब देखो इसमें आईटीसी अवेलेबल होता है अपने को, हाँ जी सी और एस वाला आईटीसी अवेलेबल है, कितना रुपए का है, 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख का अपने को क्या करना है, 9%। ओके, तो ये मोटर व्हीकल है जो, इसमें अपने को करना है 2.5 लाख का 9% ईच करके। ओके सर आप कैसे लिखते, आधा चीज समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, तुम लोग भी लिखो, लगे आ तो खत्म कर लेंगे। 22,500 देगा, एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस फिगर ही पुट करने का है, उसके बाद तो क्या ही बचा। चलो नेक्स्ट है क्या, ये वाला सेज वाला, ठीक है, 10 लाख तो ZRS है, तो आउटपुट टैक्स में आएगा नहीं, 40 आउटपुट टैक्स में आएगा, एंड जो 40 अपना आउटपुट टैक्स में आएगा वी लिमिटेड के लिए, 40 लाख, तो आउटपुट टैक्स में अपने आते हैं वी लिमिटेड के लिए, कितना करना है अपने को, 40 लाख का 9% ईच, ठीक है, तो हमने किया 40 लाख का 9% ईच, तो आया 3,60,000, तो हमने किया 3,60,000।
चलो ये भी गया। ओके सर, आप भी हमारा दे देते पेपर तो अच्छा होता। नहीं, इसमें काफी सारी चीजें मुझको भी काफी एक बार दो तीन बार पढ़ने के बाद ही पता चली, इसलिए मेरे को यही प्रॉब्लम होता है। फिगर जो मिसिंग होती है ना, बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है एग्जाम में, क्योंकि या तो वो घबरा जाएगा या तो वो करके आएगा, उसको लगेगा राइट है, उसको पता ही नहीं चलेगा फिगर मिसिंग है। ठीक है, तो जो वो वाला सिचुएशन फिर भी ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप फिर बिंदास पेपर सॉल्व करोगे। बट अगर पता चल गया ना कि फिगर मिसिंग है, तब बहुत आपको घबराहट होने लगे, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, पेपर खराब हो जाएगा। ये वाली चीज बहुत ज्यादा खराब है। या तो आप रॉन्ग फिगर दे दो, या तो मिसिंग फिगर दो ही मत। पहली बात तो रॉन्ग फिगर भी मत दो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट प्लीज चेंजेस लाओ यार, कुछ रेवोल्यूशन करो। क्या कर रहे हो आप लोग? रॉ मटेरियल इन इट्स फैक्ट्री, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदा हमने 30 लाख का, इसका ITC अपने को अवेलेबल होगा। रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री 30 लाख का है। अच्छा, आप लोग भी ये वाला चीज सीखो कि आप लोग भी इस तरह लिखा करो सारे फिगर को, ठीक है? तो इससे आपको काफी अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा। 2,70,000 आ रहा है, ताकि अगर आप यहाँ पे कोई गलत फिगर लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर अच्छा होगा और वो यहाँ देखेगा कि तुमने यहाँ पे सही लिखा है, तो वो समझ जाएगा कि कैलकुलेटर में कोई तुमने मिस्टेक की है, एंड ही विल गिव यू मार्क्स। अगर वो डिपेंड करता है उसके मूड पे, बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। चलो ये गया। अच्छा, 1 लाख का क्रेडिट अवेलेबल होगा 9,000 करके। मैन पावर सिक्योरिटी, ओके, मैन पावर सिक्योरिटी 9,000 करके अपने को अवेलेबल होगा। कैसे आया? सिंपल है, 1 लाख का 9%। ओके, अब इसको टोटल कर लेते हैं फटाफट। 20,000 ओपनिंग था, 22,500 था, 2,70,000 था एंड 9,000 था। ओके, 3,21,500, 3,21,500। चलो आगे बढ़ो, मेरे साथ क्यों चल रहे हो? थोड़ा मेरे से आगे रहो तुम लोग। ₹126, ओके। तो ये वही बात, यहाँ पे नेट ITC अपने पास आ गया, कुछ छूट तो नहीं गया ना? नहीं, कुछ छूटा नहीं, अपने सब कर लिए। वर्किंग नोट आपको लिखना है वो बताने की कोई बात नहीं, इतना तो आप जानते ही हो, तो वो अननेसेसरी बता के कोई उसका फायदा नहीं है। चलो अब इसको करते हैं। तो आउटपुट टैक्स अपना कितना बन रहा है? 369 देगा। क्या मतलब हर बार कैलकुलेटर चलाऊंगा? बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकता हूँ यार, IGST वाला कुछ है नहीं। ठीक है, अब जब नेट अपने निकालेंगे तो अपने क्या निकालेंगे? आउटपुट टैक्स अपने यहाँ भरने वाले हैं। आउटपुट टैक्स जो अपने यहाँ पे भरेंगे वो होगा 369, 369, ओके, 369, 369। यही सेल्स हुई अपनी, और तो कुछ मिस आउट नहीं हो गया ना? नहीं, यहाँ पे कुछ मिस नहीं हुआ है, यहाँ कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? बस अब सेट ऑफ करना है। अब जब ITC आप सेट ऑफ करोगे, तो सबसे पहले क्या सेट ऑफ करते हैं? IGST का, याद है ना? ओके, अब IGST एक काम करते हैं ना, कितना IGST का क्रेडिट अपने पास अवेलेबल है? अपने पास जो क्रेडिट अवेलेबल है वो 1,26,000 का है। इक्वली बांट देते हैं, 1,26,000 डिवाइड बाई 2 गया, डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आया? 63,000 करके। 63,000 तुम ले लो, 63,000 तुम ले लो। अब अगर यहाँ कोई IGST तो है नहीं, वरना सबसे पहले IGST को ही देते हैं। अब C और S को तो किसी भी उसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब C और S का जो क्रेडिट है वो भी बांट देते हैं। तो C और S का जो क्रेडिट अपने बांटेंगे वो कितना आएगा? 369, 369 अपने पास अवेलेबल, 369 नहीं, कितना अवेलेबल है? 3,21,500। ठीक है, अब अपने को उतना तो चाहिए नहीं, अपने को जितना चाहिए अपने उतना लेंगे। 369 माइनस 63,000, ओके, तो अपने को सिर्फ चाहिए 3,06,000 सी का, तो ले लेंगे। रिमेनिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, अब एस के लिए क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे, क्योंकि एस का भी अपने पास बहुत ज्यादा क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसका भी 306 आएगा। गया, तो अपने को क्या टैक्स पे करना है? नील 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 नहीं, खत्म नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे फिगर लिखाया था ओशन फ्रेट वाला। तो ओशियन फ्रेट वाले का 18,000 कैश में पेमेंट जाएगा, ये अपने को कैश में पे करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से
ये आंसर होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आईसीएआई ने क्या अजम्पशन लेके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बट जितने भी मल्टीपल पॉसिबल अजम्पशन हो सकते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, एंड आई थिंक आप इसके बेसिस पे जज कर सकते हो कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है या कैसे क्या है। बट मार्क्स आएगा नहीं आएगा दैट आर डिफरेंट थिंग, आपको पहले ये समझना चाहिए कि आपने प्रॉपरली उस चीज को एनालाइज किया था या नहीं किया था। आशा करता हूँ आपको दोबारा कभी भी ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एग्जाम दिया है तो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। क्लास के बारे में बता दो, वेट तो IDT, तो अपना क्या IDT एंड DT, ये दोनों का फास्ट ट्रैक आएगा। ये दोनों का जो फास्ट ट्रैक आएगा वो आएगा समवेयर बिटवीन मिड दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग के बीच में आएगा, एंड इसका एनरोलमेंट जो का फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे आपको आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाओ, वहां पे जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब से भी कनेक्टेड रहो। सो दैट्स इट, ये रहा आंसर। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, जरूर से तुम लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना, जैसा भी हो जो भी हो तुम्हारा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।